रेडी भाई? रेडी रेडी भाई। बहुत परिश्रम के बाद हमें फाइनली चाय मिल गया है। बहुत टाइम से चाय की दुकान ढूंढ रहे थे बट मिल नहीं रहे थे, अभी मिली है। और ये देखो यहाँ का जो ये कुछ ऐसा है, बट सबसे डेंजर मुझे ये लगा। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। जैसे यहाँ पे पैर रखते हैं ना, ये हिलने लगती है आपके पीर के नीचे ज़मीन। दीदी आप कैसे रहते हो, आदत हो गया आपको? रहता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों बना के रखा है? पानी के लिए, नीचे पानी आता है, जगह कम है इसलिए। अच्छा, जगह कम है नीचे, डाउन में फिर ज्यादा बाहर का। यहाँ पे भी आया था पानी, पानी। ब्रह्मपुत्र का पानी, ब्रह्मपुत्र का पानी आता है। अच्छा, ये क्या है? ये है ना, ये है टबाको, ये रॉ टबैको। ये यूएस में है ना, यूएस में ये इसी तरह इसको खाया जाता है, बट इंडिया में ना इसको है ना सुखा के, धूप में सुखा के, और फिर इसको इसको क्या करते हैं, इसको ना सर छोटा छोटा सा लेके ना इसको ऐसा काटते, काट के जब ये हो जाएगा पूरा, तो फिर इसको चूना के साथ में सब ऐसा रगड़ के ऐसा लेके ऐसा। वेलकम बैक टू द चैनल फील्ड लाइफ। फिर सीधा सातवें आसमान में। कैसा लगता है इसका टेस्ट? खा के देखो। नहीं, इतना भी नहीं, 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 नहीं। टेस्ट करके देखता हूँ। अरे बहुत कड़क रहता है वो, चक्कर आएगा फिर टीका लग रहा है। स्मेल तो अच्छी है इसकी, तंबाकू जैसा स्मेल है। तंबाकू है काला वाला है, काला वाला तंबाकू। वो तो जो समझ नहीं ले रहा, कमांड नहीं ले रहा। ले लो नीचे फिर उसको, वो नीचे आना चाहिए ना, देखो अपने आप ऊपर जा रहा है, कोई भी कमांड ले नहीं रहा। होम कर लो, लैंडिंग कट जाएगा। तो ये पहला पोपट होते हुए ड्रोन का, एक बार तो उड़ गया था, अब दूसरी बार थोड़ा नाटक कर रहा है, कुछ टाई टाई की आवाज आ रही है। देखते हैं आगे भी ट्राई करते हैं, होएगा पक्का, होएगा कुछ तो कुछ। जगह बहुत खूबसूरत है, जगह का नज़ारे का मजा ले लो तब तक। ये देखो ये पूरा धान है दोस्तों, धान का खेत है, और धान के खेत में कहीं भी बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री नहीं है। ये जो होता है ना बांध वगैरह कहीं नहीं है। अब बांध का जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाएगा और उतना धान नहीं आएगा, तो इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये लोग काम करते हैं, और इस तरह से ये ज़्यादा से ज़्यादा धान उगाने में ध्यान देते हैं। वाह, धान उगाने में ध्यान देते हैं, क्या बात है। और ये देखो इधर का भी नज़ारा, बाम्बू के पेड़ है, यहाँ पे बाम्बू है लगा हुआ। घर देखो कितना सुंदर है, हरियाली हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली है, सब के सब। वाह, मज़ा आ गया। ये जो बीज है ना ये फूलों के, आज थोड़ा अलग ट्राई करते हैं। और बाकी के जो बीज है वो दीदी को दे देंगे। दीदी ये बीज लो, जहाँ पे भी आपको जगह मिले ना वहाँ पे लगा देना इनको। एक नज़र अंदर देख लेते हैं चाय के बागान में, अंदर से कैसे दिखता है ये देखिए।
ईस्टेट सेपॉन्टी ईस्टेट। वाह क्या जबरदस्त है ना, एकदम सही बनाया। सिर्फ ये ऊपर के तीन पत्ते ये निकाल लेते हैं। जबरदस्त नजारा है यार, जबरदस्त हरियाली है। वाह चलो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घुसना मना है शायद, कुछ लिखा नहीं है एड्रेस पास वगैरह, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली। गाड़ी ने उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं दी है, सिर्फ एक बार टायर पंचर हुआ है और वो भी हमने निकाल के रखा है। बस अभी स्टेपनी पे चल रहा है गाड़ी, दूसरा जो स्टेपनी था गाड़ी में वो लगा दिया है वो साइड में, और बाकी दूसरा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, एकदम टकाटक चल रही है। सिर्फ डीजल डालो और भगाओ। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, शाबाश मारो डिकरो। तो ये अब हम आ गए हैं डिब्रूगढ़ के पास, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के पास में है अभी, यहाँ से लास्ट पड़ाव है हमारा ये, और यहाँ पे हम ये बीच देखते जाने वाले हैं थोड़े थोड़े, क्योंकि ये जो जगह है ना ये काफ़ी, यहाँ पे पानी है और बादल गरज रहे हैं। वाओ एक बार नज़ारा भी दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से पीछे का, ये देखो पानी है तो यहाँ पे बीच आराम से आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे लगा दिए, वहाँ पे लगा दिए, ये पूरे पट्टे में हमने लगा दिए, ये पूरा जो पट्टा है आगे से पीछे तक का, यहाँ पे पूरी जगह पे हमने बीज फेंक दिए है अभी, तो ये आ जाने चाहिए, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पूरी जो मिट्टी है वो गीली है, यहाँ पे भी गीला है, देखो अभी तक गीला है, और यहाँ पे बारिश तो अपना काम कर ही देगी, अभी धरती माँ को सौंप दिए उसके बीच तो वो बच्चों को संभाल ही लेगी। तो बहुत अच्छा रहा आज का दिन दोस्तों, और बहुत पेड़ लगाए हमने, बहुत जगह पे हमने बीज लगाए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, बहुत लोगों के फ़ोन भी आए और बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया अच्छे से। यार ज़बरदस्त आने का नज़ारा, मस्त एकदम हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी, ये जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ चाय के बागान है और बागानों में पेड़ खड़े हैं। कभी कभी यहाँ पे हाथी भी आ जाते हैं, और हम लोग हमेशा देखते हैं टीवी में, देखते हैं न्यूज़ में, देखते हैं कि ये हाथी जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं, बट करेंगे ही, अगर हम लोग उनके घर में घुस गए तो वो भी हमारे घर में घुसेंगे। एक्चुअली ये घर ही का घर है, वो यहाँ के बासिंदे हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर लिया और उनके यहाँ पे डेरा जमा लिया, तो वो उनका जो रोड होता है ना वो कभी चेंज नहीं करते, तो कभी कभी बीच में आ भी जाते हैं, रास्ते के बीच में आ भी जाते हैं, और अभी तक हमें एक ही हाथी देखा, बट वो भी पालतू वाला था, किसी के घर पे बांधा हुआ था, जैसे गाय बांधते हैं वैसे एक हाथी बांधा हुआ था किसी के घर पे यहाँ पे, और गेंडा तो आपने देखा ही, राइनो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत ज़बरदस्त था। इसके लिए कोई वर्ड नहीं दोस्तों मेरे पास, सच में कोई वर्ड नहीं, कोई वर्ड नहीं, ये है नेचर क्रिएशन। क्या बोलूं यार अभी, ये खूबसूरती क्या है यार, जबरदस्त। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, मेरी लाइफ में मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना हरियाली, दूर दूर तक देख रहे हो ना, दूर दूर तक। ये धान के खेत है, मीन्स राइस का, चावल का खेत है, और वो बादल तो देखो कितना खूबसूरत, पूरा वहाँ तक है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है ना तो यही है, यही है, यही है।
मेरे सच में रोंगटे खड़े हो गए यार। हमारे मिशन का नाश पड़ा हुआ है, थोड़ा ये डिस्टेंस बाकी है, बट ये जगह देख के मुझे यहाँ रुकने का, मैं खुद को नहीं रोक पाया यहाँ रुकने से।